नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब भगवान बनकर आपके घर आ रही है। दोस्तों यह एक शक्ति, जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इस शक्ति का चरण आपके घर में पड़ते ही दोस्तों आप सभी का घर स्वर्ग बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जुनकाल में यह चमत्कारिक शक्ति आप सभी के जुनकाल में बहुत ही बड़े चमत्कार करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम दोस्तों जो भी बात आपको बताने वाले हैं, दोस्तों इन बातों को आप बिल्कुल ही मजाक ना समझें। कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि माता रानी का आशीर्वाद जिनके भी जुनकाल में होता है, दोस्तों उनका जीवन 0 से 100 की सफर तय करता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों उनका जीवन पूरी तरह धन्य हो जाता है। धन से जुड़ी समस्याएं हो, पारिवारिक जीवन से जुड़ी समस्याएं हो, चाहे जीवन काल में जो भी समस्याएं हो, दोस्तों माता सब समस्याओं को हर लेती है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यश में अगर आप सच्चे श्रद्धा के साथ आज के इस वीडियो में हम जो बात आपको बताने वाले हैं, जो संकेत हम आपको बताने वाले हैं, अगर इन पर गौर करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आप सभी के जुनकाल में यह चमत्कारिक शक्ति का चरण आप सभी के घर को बिल्कुल ही स्वर्ग बना देगा। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल की आपकी समस्याएँ धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में धन लक्ष्मी का योग का भी निर्माण आप सभी के कुंडली पर होने वाले हैं, जिससे दोस्तों माता लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके कुंडली में वह दिव्य चमत्कार होगा, जिनके कारण दोस्तों आप सभी की कुंडली का लेखा जोखा बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में धन की वह बारिश होने वाली है कि दोस्तों आप धन संभाल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप पिछले कई समय से अपने जीवन काल में कुछ ऐसी परेशानियों को लेकर चल रहे हैं जिन्हें दोस्तों आप ना ही छोड़ सकते हैं और ना ही रखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों अब आपकी वे सारी धर्म संकट की कहानियां दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें लेकर आप बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, दोस्तों ये सारी समस्याएँ अब जड़ से समाप्त हो जाएंगी। परंतु कुछ खास और विशेष बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह शक्ति का चरण आपके घर में जब भी पड़ेगा तो दोस्तों आपको कुछ बड़े और महत्वपूर्ण संकेत मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब भी आपको ये संकेत मिलेंगे तो दोस्तों कुछ खास उपायों को आपको करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों कौन कौन से बड़े वह महत्वपूर्ण संकेत आपको मिलने वाले हैं और दोस्तों कौन से उपायों को आपको करना चाहिए, दोस्तों इनके बारे में भी आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि देवी माता सभी के जुनकाल में नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, इन पर यकीन करते हैं, दोस्तों उन्हीं के जुनकाल में आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जिनके अच्छे कर्म होते हैं वे अपने जुनकाल में बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य करते हैं, जिनका परिणाम देने के लिए भी माता एक ना एक दिन अवश्य आती है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ईश्वर की पूजा अर्चना यानी कि दोस्तों प्रार्थना मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इससे मनुष्य का लोक परलोक दोनों ही सुधरते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसका आत्मिक बल बढ़ता है और उसे मानसिक शांति भी मिलती है। जब मनुष्य भगवान का ध्यान करता है तब वह उसकी बात सुनते हैं। ध्यान की अवस्था में मनुष्य ईश्वर के करीब होता है, संसार के सारे कार्य व्यवहार से दूर रहकर वह मालिक के पास बैठता है और दोस्तों इस प्रकार वह उसके साथ एकात्म होने का प्रयास करता है और दोस्तों दोनों स्थितियों में मनुष्य का ही लाभ होता है।
जी हाँ दोस्तों, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला परमात्मा है और हर जीव के लिए वही सब प्रकार की व्यवस्थाएं भी करता है। जब तक मनुष्य इस सत्य को स्मरण करता है तब तक वह सावधान रहता है। जी हाँ दोस्तों, वह कुमार्ग पर नहीं चल सकता। अपने जीवन में वह हर कदम फूंक फूंक कर रखता है ताकि उससे कोई अपराध न हो जाए। जब वह अपने अहां से दूर हो जाता है तब स्वयं को उस परमात्मा से भी महान समझने लगता है। उस समय वह अहंकारी बनकर वह अपनी औकात भूल जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपने दुश्मनों के कारण उसे भी उस परम न्यायकारी परमेश्वर से सजा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के पास अपनी एक ही चीज है, वह है सिर्फ उसका अहंकार। वह उसके मालिक ने नहीं दिया। प्रभु का कहना है कि मनुष्य वही अहंकार यदि उसे अर्पित कर दे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, इसका तात्पर्य यही है कि मनुष्य को सरल, सजग और सहृदय बनना चाहिए, अहंकारी कदापि नहीं। ईश्वर को घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वह स्वयं दयालु, प्यार करने वाला और सभी जीवों का हित चिंतक है। उसे सदाचारी और परोपकारी मनुष्य ही भाते हैं। अहंकारी मनुष्य का सिर कभी न कभी तो नीचा हो ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपने पिछले समय में बहुत ज़्यादा ईश्वर की प्रार्थना की है, ना ही अपने अंदर कभी घमंड आने दिया है, और दोस्तों ना ही आपने किसी के बारे में कभी गलत सोची है। और दोस्तों यही कारण है कि यह देवी, यह चमत्कारिक शक्ति आप सभी के घर चरण स्पर्श करवाने वाली है। शादी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगर 3 दिनों के अंदर आपको स्वप्न में कोई अगर नारी आ जाए तो दोस्तों इनका यह संकेत है कि आपके घर यह देवी अपना चरण स्पर्श करा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, या फिर दोस्तों सुबह कहीं जाते समय कोई स्त्री घर के सदस्य को छोड़कर अगर कोई दूसरा स्त्री आपसे कुछ पूछे तो दोस्तों इनसे भी आपको समझना है कि देवी माता आपके घर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इन संकेतों को दोस्तों आप भूल कर भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। शादी दोस्तों, घर में चिट्टी अगर आ जाए तो दोस्तों यह भी माता रानी का संकेत है, बहुत ही परम संकेत है। शादी दोस्तों हम आपसे बता दें कि अगर आपके घर के आसपास आप फिर आपके घर पर कोई पक्षी आकर बैठ जाए तो दोस्तों यह भी माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा संकेत है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह संकेत अगर आपको मिल जाए तो दोस्तों आपको बिल्कुल ही इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है, और दोस्तों इनके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए। हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको माता लक्ष्मी का आरती करना है। जी हाँ दोस्तों, कपूर जलाकर उन्हें आरती करना है और उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। दोस्तों इसकी राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रख लें, अपने घर की तिजोरी में रख दें जहाँ पर आप धन रखते हैं। दोस्तों ऐसा करने से जो भी माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी दोस्तों उनका प्रभाव बढ़ जाएगा और धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हुई सभी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और शायद दोस्तों आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगी और आपको हर कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा हम आप सभी को बता दें कि सुपारी और तांबे का सिक्का भी आप लेकर माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिएगा कि हे माँ लक्ष्मी, आप सभी का हमारे घर में स्वागत है। माँ लक्ष्मी अपने कृपा दृष्टि हमेशा हमारे जीवन काल में बरसाते रहें, अपने भक्त के जीवन काल में बरसाते रहें। दोस्तों ये सभी वचनों का आपको प्रयोग करना है। शादी साथ दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो दोस्तों 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा। दोस्तों यूं कहें तो आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य भी बन जाएंगे। जिन क्षेत्रों में आप काम करना चाहेंगे दोस्तों उनमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, जिस क्षेत्र में आपका कदम पड़ जाएगा दोस्तों वहां पर आपको लाभ के बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जो भी जातक नौकरी के लिए परेशान है दोस्तों उन सभी के लिए आने वाले 3 दिनों के अंदर नौकरी की बहुत बड़ा अवसर आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी का असीम चरण कुछ ऐसा है कि दोस्तों व्यक्ति के जीवन काल में पड़ते ही उनका हाव भाव सब बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में कुंडली में जो महालक्ष्मी योग का निर्माण है
दोस्तों आप सभी के लिए योग्यता और मेहनत पर विश्वास करने से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अपने योग्यता पर आपको बहुत ही ज़्यादा विश्वास करना है और दोस्तों इनसे आपको सफलता प्राप्त होगी। कुंडली में बहुत ही शुभ योग का आपका निर्माण है, इनसे दोस्तों अचानक ही आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि अश्विनी नजदीकी मित्र या फिर संबंधी से आपका मुलाकात हो सकता है, जिससे दोस्तों आपका तनाव भरे जो भी माहौल है उनसे आपको सुकून मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बता दें कि अपनी थकान को आप इनसे भूल जाएंगे। और दोस्तों यश में आप ध्यान रखें कि गुस्से और जल्दबाजी की वजह से बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है, इसलिए धैर्य रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, हालांकि दोस्तों उनके मनसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शादी दोस्तों आपको बता दें कि यश में अपने काम में काम करने का बहुत ही बड़ा समय होगा। दोस्तों यश में आप जो भी कार्य करेंगे उनमें आपका उत्साह बढ़ेगा। अनुभवी लोग का परिचय सकारात्मक पहलुओं से कराएंगे। स्वार्थी रिश्तों से आपको थोड़ा दूरी बनाकर रखना है। जी हाँ दोस्तों, पेशे के लेन देन से रिश्तों में खटास आ सकती है, तो दोस्तों पेशों की लेन देन आपको भूल कर भी नहीं करना है। परिवार के सदस्यों की जरूरतों का ध्यान रखें। व्यापार से जुड़ा कोई फैसला लेने में आपको जल्दबाजी बिल्कुल ही नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, इन खास बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि जो काम आपके लिए सही नहीं है, अगर आप उन बातों को जान गए हैं तो दोस्तों उनमें आपको उलझने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इनसे आपको नुकसान हो सकता है। आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो बातें आपको प्रगति की ओर ले जाती है उन्हें समझने की आपको कोशिश करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इनसे आपका आने वाला समय बहुत ही बेहतर होगा। नवीनीकरण अथवा बदलाव संबंधी निर्णय कामयाब होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय और नौकरी संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण फैसला खुद ही लें। जी हाँ दोस्तों, किसी और के भरोसे छोड़ना यश में आपके लिए उचित नहीं होगा। सीनियर के साथ आपको संबंध बनाए कर रखना है, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में ये संबंध आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके द्वारा किए गए जो भी काम है उनका सामान्य फल आपको प्राप्त होगा। जिन बातों में आप खुद को कमजोर समझते हैं दोस्तों उनमें बेहतर बनने की आपको कोशिश करनी है, क्योंकि दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, इनमें आपको सफलता मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि यह समय आपके लिए जो समय होंगे पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी तालमेल से अभाव की वजह से दोस्तों घर में कुछ तनाव की स्थिति भी रह सकती है। प्रेम संबंधों में नजदीकियाँ बढ़ने वाली है। साथ ही जो लोग प्रेम में पड़ चुके हैं दोस्तों उनके लिए कुछ नए पड़ाव आ सकते हैं, जो कि दोस्तों थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन अगर आप धैर्य और संयम के साथ कार्य करेंगे तो सारा संकट टल जाएगा और प्रेम में जो भी बाधाएं हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है उनके साथ आपका रिलेशनशिप टूट सकता है, और दोस्तों इनमें आपको कोई भी पछतावा करने की आवश्यकता भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यश में पेट से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। गैस और बादी वाली चीज़ों का आपको सेवन भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए आपको विटामिन्स की जांच करवाएं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगर आप सेहत का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आने वाले समय में यह सेहत आपको बहुत ही बड़ा कामयाबी दिलाने में आपका सहयोग करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। दोस्तों पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। साथ ही और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।